नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसावुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलं वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम ज्ञानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जे झाया झण गहे कम कलंक डहे नित्य निरंजनानमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। जिस कार्य के लिए जो चाहिए उसे प्रयत्न पूर्वक लाना चाहिए, लाओ चाहिए सब। प्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, तो आपा पर का ज्ञान करो। कैसी सुंदर चर्चा है, आज के जमाने में पैसा तो जरूरी है, पैसा बिना कौन पूछता है। भीतर ये बात गहरी बैठी है, पैसा जरूरी है, परंतु पैसा तुम्हारी कमाई नहीं आता, पैसा तो पुण्य से आता है। पैसा तो पुण्य से आता है, पैसा में तुम क्या करोगे। चलो पैसा जरूरी है तो क्या करो, पैसा पुण्य से आता है तो पुण्य करो। पुण्य वितराग देव की चरणों की भक्ति से होता तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति का मतलब गाओ मत, उन वितरागी परमेश्वर को पहचानो, उन वितरागी परमेश्वर की श्रद्धा करो, वितरागी परमेश्वर के वचनों की श्रद्धा करो, वितरागी परमेश्वर के द्वारा बताए गए उपाय का आचरण करो। टोटोमल जी ने एक बात ये भी लिखी, तुम जो उपाय करते हो झूठे हैं। पैसा की चाह पाप बंध का कारण है, भोगों की चाह पाप बंध का कारण है, विषयों की चाह एक ही बात है पाप बंध का कारण। धर्म की क्या हो, हमें तो धर्म चाहिए तो पुण्य हो। भगवान की भक्ति में आप क्या पढ़ते हो, मेरे न क्या कुछ और इष्ट होगा पुण्य। जब तक तुम्हारे हृदय में अन्य कामनाएं बैठी हैं, वासनाएं बैठी हैं, तो ये वितराग की उपासना कैसे होगी, कैसे होगी। ऊपर ऊपर से ये भगवान की भक्ति गाओगे लेकिन भीतर में भाव भाषित नहीं होगा। भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, करो कैसे करोगे, मेरे न क्या कुछ और ही। रत्नत्रय निज दीजिए मुनि, अब रत्नत्रय कब मिलेगा, देने लेने की चीज नहीं है रत्नत्रय, और देने लेने की चीज तो लोक में भी कुछ भी नहीं है ये समझ लो। रत्नत्रय कोई प्रसन्न होकर के देना चाहे तो दे नहीं सकता, सुख कोई प्रसन्न होकर के देना चाहे तो दे नहीं सकता। अरे भाई बाहर की संयोग सामग्री भी कोई देना चाहे तो पुण्य इनको दे नहीं सकता। ये हम पुण्य उदय हो तो स्वयं मिले,
और पुण्य उदय नहीं हो तो आप दे नहीं सकते। ये कोई विरासत में मिलने वाली वस्तु नहीं है, धर्म तो नहीं है, लेकिन ये बाह्य सामग्री भी विरासत में नहीं मिली। पिताजी बहुत छोड़ जाए और कुछ न रहे, और पिताजी कुछ नहीं छोड़ जाए और बहुत कुछ हो जाए, सब कुछ नहीं का ध्यान रखना। कहीं जन्म होवे, कहीं जाकर के पालन पोषण होवे, कहीं ये तो सब ऐसा ही योग है। चाहने से नहीं मिलती, देने लेने की वस्तु नहीं है। कोई देना चाहे तो नहीं दे सकते। बहुत पहले हमने एक दृष्टांत दिया था, एक उदार सेठ बैठा चबूतरे पर और सवेरे से ही लाइन लग गई, भाई हमको 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 चार छह को देता रहा, दस बारह को देता रहा, वो भी थकान हो गया, उसको कोई काम आए, अब सब यहीं आ गए सवेरे से, अब हम नहाएंगे धोएंगे, अब उसको फटकार मिली, आठ को तो मेरा भोजन किसी को बस मिली और उसको फटकार मिली, पुण्य के उदय बिना वो नहीं दे सकता, क्या कर। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, चाहे कोई भी हो, पुण्य के तुम्हारे पुण्य से ज्यादा नहीं दे सकता, तुम्हारे पुण्य के बिना नहीं दे सकता। और ध्यान रखना, जब तक अंतर में भोगों की वासना है, वासना माने सुख बुद्धि, जब तक वो धन आदि की चाह है अंतर में, तब तक पुण्य नहीं होगा। आपको बता दिए मेरे न चाह कछुआ, बाहर की सामग्री और सुविधाएं भी नहीं दे सकते आप। आपने सारी व्यवस्थाएं बनाई और चार मेहमान आए और उसी समय लाइट चली गई, अब क्या करोगे, जाकर के पहुंचे और उसी समय वो जनरेटर बंद हो गया, मेरा शांति से सुनो बिना माइक के, अब क्या करें, वो बनी खराब, अभी अभी खराब हो गया, और हमने भी सुना रास्ते में बज रहा था। सुविधाएं भी नहीं दे सकते, कुछ भी एक द्रव्य के द्वारा कुछ दूसरे द्रव्य का को कुछ का कुछ भी किया जाना असत्य है। ऐसे एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य को कुछ भी किया जाना असत्य है। समयसार जी की गाथाओं की भाषा बोलोगे, बचाना चाहे लेकिन आई तो दे नहीं सकता, करे क्या, तू आई तो देता नहीं, वह आयु तो देता नहीं, वह कर्म तो देता नहीं, हमारा खूब भाव है सब सुखी रहे, लेकिन अब करे क्या, अपने अपने परिणाम के अनुसार होंगे भाई, तो हमारा भाव बेकार है, बेकार। अब ये तुम ही सोचो, हम नहीं कह सकते बेकार। जब अपने भाव से कोई सुखी दुखी नहीं होता है, किसी को कुछ दिया लिया नहीं जा सकता, किसी का कुछ किया नहीं जा सकता, तो अपना भाव बेकार है। हाँ यही तो कह रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए, परलक्षी समस्त भाव बेकार ही तो हैं। अरे बेकार नहीं है भैया, दुख के कारण है। अब जीवन में आचरण नहीं है, ऊंचा ऊंचा उपदेश दो तो क्या असर करे पड़ेगा, जीवन में स्वयं आचरण हो तब असर पड़ेगा। सच्ची बात है भैया, हम पूछते हैं सुकुमार मुन्नाज के भीतर जीवन में था कि नहीं था, भावलिंगी संत सर्वासिद्धि जाने वाले थे, और आकर के ज्ञानी भक्षण करने लगी, कछु असर नहीं हुआ। सुकौशल मुंडा व्याघ्री आकर के भक्षण करने लगी, और वही व्याघ्री उस कीट धर्म मुंडा को देख करके जाति स्मरण हो गया, शांत हो गई,
और समाधि करके स्वर्ग के लिए। क्यों भाई सुकौशल मुंदाज का असर क्यों नहीं पड़ा? ये तो निमित्त की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। तो ये ऊपर उठाने की, तो स्वयं आचरण नहीं करता है और ऊंचे ऊंचे उपदेश देता है, ऐसे जीव को कहा भैया पहले स्वयं आचरण कर, दुनिया को उपदेश बाद में दे, पहले स्वयं उपदेश को ग्रहण कर। उस उपदेश की तुझे भी श्रद्धा है या नहीं है? कि तुम बाहर की पद प्रतिष्ठा ख्याति लाभ भोग संयोग चाहते हो, यहां बैठ करके उपदेश दे रही है सब ये अंतर में अपने को उपदेश दो, संबोधन करो, स्व संबोधन, बैठ एकांत चित्त एक ठोर आन रे, एकांत में बैठ करके एक चित्त होकर के विचार करो। इसके लिए ये बात कही आ रही है भादवा की। ये बताओ भावलिंगी मुनीश्वर उनके ऊपर उपसर्ग होते रहे, कहां असर हुआ? तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, ध्यान अवस्था में विराजमान, मुंदराज की अवस्था में तो ध्यान, और कमठ पर कोई असर नहीं पड़ा। और वो उपसर्ग करता रहा, और जब समय आया तो वही कमट उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त से समोषण में दर्शन करके वाणी सुन करके सुधर गया। जब उपादान की योग्यता से कार्य होवे तब निमित्त पर आरोप होता है, स्वयं की योग्यता के बिना ये निश्चय का कथन हो गया। स्वयं के बोलो जिज्ञासा के बिना, विनय के बिना, पुरुषार्थ के बिना हजारों निमित्त हो कुछ भी नहीं कर सकते। स्वयं की योग्यता ही अंतरंग का कारण है, योग्यता ही प्रतिनियामक कारण, नियम रूप कारण है। लेकिन अंतरंग कारण में आपको देखें तो स्वयं के विनय के बिना, जिज्ञासा के बिना, सरलता के बिना, पुरुषार्थ के बिना, अभ्यास के बिना कौन क्या सिखाएगा क्या करेगा? आपको ये बात वैसे ही नहीं कही है, अभिमानी कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकता, सिखाने की दम रहती है उसको सिखाने। अभिमानी का एक लक्षण है वो अपने अनुसार परिणमाना चाहता है, समझाना चाहता है, झुकाना चाहता है, बदलना चाहता है दूसरे को, दूसरे को बदलना, दूसरे का दोष देखता है। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत हो जाती है बस जोर से बोल बाल दिया तो बस रोब गांठ चारा चुप रह गया, सो नहीं जिक अच्छी बढ़िया तरीका बढ़ जा रहा, कहीं कुछ कुछ कोई कुछ कहेगा तो बस जोर से ताड़ हम कर देंगे खत्म मामला। अब कोई कुछ कह नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कह पाएगा, इससे क्या फर्क हुआ? मान लो आज की भाषा हम बोले देते हैं, कोई आकर के पुलिस वाला ने रोका, भैया ये हेलमेट नहीं लगाए तुम, वैसे ही चले आ रहे हो, ये लाइट नहीं तुम्हारी गाड़ी में। उसने क्या, तुम जानते हो हमको, अपना काम करो। पुलिस वाला बेचारा सीधा साधा था सामान्य, उन्होंने कहा छोड़ो कौन का, चुप रह गया। आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए कौन रोकेगा? वहां क्या दादागिरी काम आएगी? सोचो, नहीं छोड़ा तीर्थंकरों को कर्म ने, उनके जीवन में भी को कर्मोदय जनित कार्य है, फिर दादागिरी क्या काम आएगी ये बता। रे कैसे चलते हो, सीधे चलो, हम तो ऐसे ही चलेंगे, या चुप रह गए नहीं बोले
और वैसे ही चलते रहे। गिर गए तो क्या हो, फिर कौन, फिर दादागिरी क्या काम आएगी ये तो बता। एक जीवन में आदत बना लेना चाहिए, कोई भी कुछ भी कहे उस पर ध्यान दो। मौन उसके सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, वचन गुप्ति, भाषा समिति, उसके बाद है वचन गुप्ति। मौन रहे तुम वचन गुप्ति पा रहे हो, वचन गुप्ति लायक हो अभी। पहले हित में तो प्रिय वचन बोलना चाहिए, मौन गुप्ति बाद की, मौन गुप्ति लायक हो, तुम्हारी सत्य अनुव्रत का ठिकाना नहीं है। सत्य महाव्रत की तो बात क्या कहें मुंडाजों को है, है? भाषा समिति का ठिकाना नहीं है, अभी चाहे जैसे चाहे जब बोलने लगोगे ये बताओ। अब तुम मौन मौन पालना चाहते हो, सच पूछो मौन है कि भीतर घुटन है, कसायों की ज्वाला में जल रहा है। मौन तो शांतता होती है, विथे मौन मुनीश्वर। मौन का एक अर्थ लिखा है मौनम शांतम, परिणाम शांत होता है, अपना स्वरूप भी दिखता है परमार्थ, व्यवहार में योग्यता, भवितव्य, निमित्त, उदय, सारी बातें ज्ञान में बांटती हैं, उनका विचार चलता है। कौन से का है मौन माने, जानते हो मौन? एक भजन ही लिखा है पूरा का पूरा, हम बैठे अपनी मौन सो। अब मौन कब होगा, दिन दस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन, बुरे वचन बोलने के लिए मौन है। दोष बाधे च मौनम, बड़बड़ाने के लिए मौन नहीं हो और योग्य वचन बोलने के लिए मौन हो, ये उल्टा हो, उल्टी फैली है। मन दोष बाधन ते भगे, दोष बाधे च मौनम, क्यों भाई बोलो, तो जब किसी का दोष दिखाई नहीं दिया, अपना ही दोष दिखाई दिया, अपना ही उदय दिखाई दिया, कार्य की योग्यता दिखाई दी, उस वचन की ऐसी योग्यता, उस कार्य की ऐसी योग्यता, क्यों कैसे का सारा विकल्प झूठा दिखाई दिया, अब किनसे का कहें। हम आए और जी चश्मा में हमारा ही हाथ लग गया, गिर गया, अब कौन से का कहें, बोलो कौन से काका है? अगर इनका हाथ लग जाए गिर जाए, अंधे हो, देखा तो नहीं है, ध्यान नहीं है, इतना उतावला बंद करते हो, दस सुनाएंगे, लेकिन जब अपना ही हाथ लग गया और गिर गया, अब कौन से काका है? कहे भैया क्या बात है, कुछ नहीं, अब अपनी गलती, अब कौन से काका है? जब अपना तो सिखा दिया है, अब कौन से काका है? ये है मौन का तरीका। देखो हर वस्तु में मिथ्या और सम्यक दो होते हैं, मिथ्या मौन और सम्यक मौन, दो मौन होते हैं। गलती हो जाए और क्षमा भी नहीं मांगे मौन रह जाए, ये मिथ्या मौन है। समझ में आया? उत्तम शिक्षा दी जाए और मौन रह जाए, बात तो यही है, ठीक है, अंगीकार करेंगे, प्रयत्न करेंगे, हम विचार करेंगे, बात तो यही है, मौन रह जाए कुछ नहीं, ये मिथ्या मौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, तो मिथ्याचार से में मिथ्या मौन आ जाएगा। मिथ्या ने कान, मिथ्या एक कान होता है कि नहीं होता बता, मिथ्या मौन। हम ये कह रहे हैं प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए अगर अपने को हित करना है तो, कि आत्महित का संकल्प कर लेना चाहिए, अपनी पढ़ने अपनी दृष्टि के बिना
अपनी विनय जिज्ञासा के बिना, अपनी पुरुषार्थ के बिना कोई कहीं कुछ भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सच्ची बात है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन तुम जैसे बोलते हो बिल्कुल झूठी है, तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। कहीं कुछ नहीं है, अरे कहीं कुछ नहीं है, हमारा कहीं कुछ नहीं है, हमारा कहीं कुछ नहीं है। हमारे लिए कहीं कुछ नहीं है, इनके लिए सब है, हमारा कुछ नहीं है। कि हां भैया ये पुण्य पाप के खेल हैं, वहां बहुत कुछ है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, वहां बहुत कुछ है। नहीं नहीं बिल्कुल झूठी बात है, सब उदय के खेल है। कहीं कुछ नहीं है, लेकिन निराश होने की बात क्यों है? कहीं कुछ नहीं है, क्या चाहते हो बोलो। महाराज हमें तो सुख चाहिए। क्या सुख आत्मा में है, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ये सच्ची बात है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं सुख नहीं है, लेकिन कहीं सुख नहीं है। सियात लगा देना, आत्मा को छोड़कर कहीं सुख नहीं है। ठीक है, पर्यार्थक ना ऐसे बोलो। बहुत एकदम कहां पहुंच गए, अपने मोह के मिटे बिना कहीं सुख नहीं है। अपने कसायों के मिटे बिना कहीं सुख नहीं है। अपने पापों के छूटे बिना कहीं सुख नहीं है। कहीं सुख नहीं का अर्थ समझ में आया कुछ? कहीं सुख नहीं है, कछु नहीं है, कहूं कछु नहीं है। सब पागल हो गए हो। विश्व में, इस लोकाकाश में मुख्य रूप से ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां छह द्रव्य ना हो। ये यहां पर एक सुई की नोक लगा दो, छह द्रव्य हैं। एक सुई की नोक यहां ऐसे लगा दो, वहां भी छह द्रव्य हैं। सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म पुद्गल वर्गना है, सूक्ष्म परम सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद होते हैं। और परमाणु का तुम्हें दिखेंगे, ये खाली खाली दिख रहा है, पूरा भरा हुआ है छह द्रव्यों से। कहीं कुछ नहीं है, पागल है क्या? सर्वत्र छह द्रव्य हैं। महाराज हमने तो सुनी थी कहीं कुछ नहीं है। अरे सुनी थी तो उसका विचार भी तो करना था, निर्णय भी तो करना था। जो तुम चाहते हो वह सुख कहीं नहीं है, लेकिन नहीं आत्मा को छोड़कर। क्या लिखा तो नहीं है? लिखा नहीं है, समझना चाहिए अनेकांत। सियादवाद के बिना कथन करोगे, सियादवाद के बिना उसका अर्थ समझोगे। सियादवाद के बिना वस्तु का यथार्थ प्रूपण, यथार्थ निरूपण होना ही संभव नहीं है। इसलिए न्याय शास्त्रों में लिखा है, एक निर्देश लिखा है, स्यात् पद अगर नहीं भी लिखा हो तो अनुक्त समझ लेना चाहिए। वो शक्कर लगा ला, शक्कर उठा ला। अब डिब्बा कहीं तो नहीं, डिब्बा बिना की उठा के लाओ, थैलिया में लाओगे, कटोरा में लाओगे, काऊ में तो लाओगे, क्यों नहीं? नहीं और कुछ मतलब नहीं, शक्कर लाना केवल। शक्कर तो चलो मुट्ठी में ले आवे, हम कहें दूध ले आना, पानी ले आना, घी ले आना, बता कैसे लाओगे? दृष्टांत एक देश होते समझने का मतलब। तो शक्कर लाना तो तुम डिब्बा ले आए। अब हमने तुमसे कहा क्यों डिब्बा किसने मांगा था, डिब्बा क्यों लाए?
अब बता पागल है कि नहीं हम, जो कथा कर रहे पागल है कि नहीं? कथा है पागल करता है, ध्यान रखना ये पागलपन है। मिथ्यात को पागल का आकर दर्शन दिया है, जैसे कोई पागल उसे कोई वस्त्र पहना दे वह, यही तो दृष्टान दिया तीसरे अधिकार में। वो वस्त्र को अपने को एक माना, कभी उतारता है वो पहनाने वाला, कभी फिर नया पहनाता है, कभी ये पहन ले देवता है, हैं? ऐसे ये कर्म शरीर दे, शरीर मिल गया, नए नए शरीर मिलते हैं, नाना अवस्थाएं मिलती हैं, नाना संयोग मिलते हैं, ये सब को मिला करके एक मानता। इस दृष्टांत को थोड़ा सा लंबायमान किया था हम, हैं? जिस पेड़ के नीचे पागल बैठा था, एक बाग में बैठा था पेड़ के नीचे, और वो बाग अच्छा था, वहीं चैत्यालय था, वहीं कुआ था, वहीं अपना सब चार छह कमरे भी बने थे, बढ़िया बगीचा, अच्छा बाग था। तो एक गाड़ी निकल रही थी यात्रा संघ की, दो तीन चार, उन्होंने कहा भैया ये जगह अच्छी है, देखो मंदिर भी दिखाई दे रहा है, यही अपन रुको, नहा दो अपने, पूजा करें, तब चलेंगे आगे खा पी करके। तो उन्होंने रुक लिया और चार छह आठ बसें, दो चार गाड़ियां, आज की बात में पुराने में घोड़े बैल दिखे आकर के, सुनो अब वो पागल नाचने लगा, मेरे घर कितने लोग आ गए, मेरे कितने लोग आए, ये सब अपने ही हो गए। यही दृष्टांत दिया ना। अब उन्होंने अपने नहाया धोया, दर्शन पूजन की, और एक ने देखा, ए तू भी नहा ले, चल ये कमीज पहन ले, नहीं उसने कमीज दे, भोजन किया, ले तू भी खा ले भैया भोजन खा। अब तो सोचने लगा बिल्कुल, अगर हमारे नहीं तो हमें क्यों पूछ रहे, अगर ये हमारे नहीं है तो हमें पूछ क्यों रहे, ये बता। अब वो अपने नहाया धोया पूजन पाठ की, भोजन किया, बैठ गए, चल गए। अब रोने बैठ गया, हमारे सुनो होगा, सूना क्यों लग रहा है, स्वानुभव के बिना सूनापन है। स्वानुभव होता है तो तुझे सूनापन नहीं दिखता, छह द्रव्य दिखते, सात तत्व दिखते, कहां नहीं है बोलो। कहीं कुछ नहीं है माने कहीं सुख नहीं है, तो नहीं है तो रहने दो ना, क्या करना अपन को। जिस सुख को तू चाहता है कहीं नहीं है, ये क्यों कहा कि तुम ढूंढते फिर रहे हो, तैयार हो। उस कस्तूरी मृग की तरह, कस्तूरी मृग की तरह सुगंध आ रही है अंदर से और ढूंढ रहे हो बाहर में, कहां है कहां है कहां है, कहां से आ रही है, आ कहां से रही, कहीं से नहीं आ रही तेरे भीतर। अरे अतीन्द्रिय सुख की बात तो अलौकिक है, जो तू इंद्रिय सुख की भी जो कल्पना है वो भी तेरी स्वयं की कल्पना है, कहीं नहीं है वो सुख। इंद्रिय सुख भी है वो तेरी कल्पना में ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पोटमल जी ने उसको कैसे कहा, स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही ज्ञान का विषय बना, उस प्रकार का संयोग परिणमन बन गया, प्रवृत्ति हुई तुम्हारी भाषा में, और स्वयं ही सुख मान लिया, भैया दूसरे को कुछ नहीं लगा। भैया ऐसी बातें मत करो, बढ़िया मिष्ठान बना रहा है वो हलवाई और बाय कछु नहीं, इनकी तो मुंह में पानी आया, वो दृष्टांत दिया था हमने, बढ़िया गरम गरम इमरती और सिगरेट, इनके तो मुंह में पानी आ गया, सामने देखती बोले भाई लाओ एक किलो हमको दे दो, बाजार की खरीदने लायक नहीं है, घर बना करके खाओ भैया, घर बना करके खाओ, पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, प्रतिष्ठा भी बचेगी, हैं भगवान की आज्ञा का सम्यक तो संयम सब बच जाएगा, और नहीं तो भगवान की आज्ञा का विरोध है। हम तो दृष्टांत दे रहे थे खाली, दृष्टांत में इतना कह दिया, समझ में आया ना। तो उसके तो मुंह में, और वो हलवाई मालूम वो बना रहा है और मुंह में तंबाकू खाया, बता
उसे कछु जे ही नहीं है क्या? ऐसे ही तू आत्मा की चर्चा कर रहा है, बढ़िया बढ़िया भगवान की भक्ति कर रहा है, और भीतर तेरे पाप की तमाखू जैसी वासना, विषय की वासना भरी है। तुझे कुछ खबर नहीं है काय को भक्ति कह रहे हैं, तुझे कुछ खबर नहीं, बढ़िया गा रहा है ऐसे तन करके। जरा गला अच्छा हो गया तो सुन लगा कहते हम है। मैंने पूछा, एक दिन पूछा, नहीं बेटा गाय का रहे थे, हम ध्यान नहीं है, ये भगवान हो सही नहीं है, हम क्या कर रहे। पंडित जी ने वैसे ही थोड़ी लिखा है, भक्ति करता है तो किसकी भक्ति कर रहा है, कैसी भक्ति कर रहा है, किस प्रयोजन से भक्ति कर रहा है, भक्ति करने वाला कौन है, भक्ति करने का भाव कैसा भाव है, ये क्रिया कैसी बन रही है, किसका नाम भक्ति है, वो सही नहीं, कछु खबर नहीं। जब तक तेरी कषायें मंद नहीं हो, मोह मंद नहीं हो, तो बता कहीं सुख नहीं है। समझ में ना, आत्मा के बिना ये द्रव्यार्थिक नय का कथन हो गया, पर्यार्थिक नय, सम्यक्त्व के बिना, संयम के बिना, धर्म में कोई नहीं अपना, आत्मा के बिना कोई अपना नहीं है, द्रव्यार्थिक नय हो गया, और धर्म के बिना कोई अपना नहीं तो पर्यार्थिक नहीं हो। कहीं सुख नहीं है मोह के छोड़े बिना, कसायों के छूटे बिना, पापों के छूटे बिना, जाओ कहां जाओगे, कोई ना कहीं भी ले जाओ वो कहीं प्रकाश नहीं करेगा, और दीपक जहां होगा वहां प्रकाश करेगा। मणि है या मणि दीपक हो या रत्न दीपक, कोई भी दीपक हो, दीपक जहां होगा वहां प्रकाश होगा, और कोयला कहां ले जाओ, ये तो बड़ो कोयला, यहां रखो तो कुछ नहीं, वहां रखो तो कुछ नहीं। समझ में आया क्या कह रहे, कोयले जैसे जिसके काले परिणाम हैं, धो कोयले को तो हाथ और कपड़ा और गंदे कर रहे मैं, ऐसे उसको समझाओ तो उसको कथा और हो रही है, उससे कुछ कहो तो बस। अरे रे प्रभु, कहां तुझे ज्ञान होना है, कहां सुख होना है। कुंद कुंद स्वामी मंगलाचरण वैसे ही नहीं कर रहे, हे भाई तू जहां है वहीं अपने में सिद्धत्व की स्थापना कर, और अपने में नहीं सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर। तुम लोग पढ़ते चले आते हो, हमें मजा ये लगता है कि क्या करते हो भाई। उपगुण अंग की चर्चा लिखी और लिखा सिद्ध भक्ति सहित, और तुम तो गाते हो। हमने एक बार सवेरे भी कही और वैसे भी कई बार कही, देखो ये ज्यादा गाने की जो आदत है तुम्हारी, पाठ कर गया गाना गाना गाना, ये तुम्हारा बहुत बेकार काम है, स्थूल से उपयोग स्थूल होता है। चिंतन की आदत बनाओ, धीरे धीरे शांति से पढ़ने की आदत डालो। सवेरे हम सुमेधा जी का ही स्वाध्याय कर रहे, सर्व विशुद्धि अधिकार का सुनाया, प्रथम रस पे बंतु, अज्ञान चेतना का प्रलय करके प्रथम रस पियो, ज्ञान चेतना को नचा करके। रस पीने की बात अलग होती है भैया, काले पीने की बात अलग है और रस पीने की बात। इतना काला एक ऐसे पियाओगे आंख बंद करके बकरी, और रस पियोगे तब बात अलग होगी। तो रस पीने की बात अलग है ना, ये अध्यात्म रस है भैया, भक्ति रस है, वैराग्य रस है, इन्हीं रसों के बिना जीवन नीरस है। जिसके जीवन में भक्ति का रस नहीं है, वात्सल्य का रस नहीं है, अध्यात्म का रस नहीं है, उसका जीवन नीरस है। तमाम संपदा हो, तमाम भोग संयोग हो, हजारों रानियां हो, खाने पीने की खूब अनाप शनाप सामग्री हो, तो भी शुभम काम अरा जा करके, तो भी शुभम काम अरा जा करके,
मछली की तरह अगर नहीं तड़पना हो तो रसना इंद्री के विषय से आज ही विरक्त हो जाना, नहीं तो मछली की तरह तड़पना होता है। वो कांटा लगाना उसको ऐसी तड़प रही बिचारी। पतंगे की तरह नहीं जलना हो तो चक्षु इंद्री के विषय से विरक्त हो जाना बहुत बढ़िया, शकल अच्छी है, डिजाइन अच्छी है, होगा बगल में साइड में होगा। भोरे की तरह नहीं मरना हो तो गंध घ्राण इंद्री के विषय से सुगंध बढ़िया, गंध बढ़िया, खुशबू बढ़िया, खुशबू अरे बढ़िया है। धर्म की गंध का, धर्म की सुगंध को पहचान। बस धर्ममयी अच्छे सुगंध त्रिभुवन में फैलेगी, तब ही कब ऊपर की लाइन पड़ेगी। कितना बलवान हाथी और उसके ऊपर आदमी सवार और अंकुश, अगर तेरे को ये बंधन में पड़ करके दुर्दशा नहीं करनी हो, कोई तेरे ऊपर सवार हो जाए, नहीं नहीं इस स्पर्शन इंद्री के विषय से विरक्त हो जाना चाहिए। ये तेरी भूल का परिणाम है, तेरी विषयाशक्ति का परिणाम है, आसक्ति चारित्र की अपेक्षा है, श्रद्धा की अपेक्षा बोलो विषयों में सुख की कल्पना का परिणाम है। विषयों में सुख की कल्पना का परिणाम है। साहब देखो पाप का फल दिखाई नहीं देता तो कहा अंधे हो गया। पाप का फल दिखाई तो दे रहा है प्रत्यक्ष दिखा, लोग साहब पाप कर रहे हैं और खूब पैसा आ रहा है, अरे पैसा से क्या मतलब, सुख शांति हो एक भी पाप करने वाले जीव के जीवन में तो बता दो हमें। कहीं पुराण में पढ़ी हो, इतिहास में पढ़ी हो, कहीं दिखाई दे रही हो, कोई एकाध बताओ भाई के सुखी है और पाप। संयोग का आना जाना ये कोई सुख थोड़ा ही है, ये कल्पना है तेरी कल्पना। कल्पना मात्र रम्यम, इस इंद्री सुख को क्या कहा, कल्पना मात्र रम्यम, कल्पना में ही रम्यता है, वास्तव में रम्य नहीं है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पागलपन मत देना, आगम के अनुसार बोलो एकत्र भक्त आत्मा सुंदर है, वीतरागता सुंदर है, वीतरागी की प्रतिमा मुद्रा सुंदर है, ये वीतरागी वाणी सुंदर है, वीतरागी परिणति सुंदर है। कौन से नए घटाओगे तुम बताओ, शुद्ध नए घटाओ तो एकत्र भक्त शुद्ध आत्मा सुंदर है, हैं? एक देश शुद्ध नए घटाओगे तो वीतराग विज्ञानता सुंदर है, रत्नत्र सुंदर है। व्यवहार नए घटाओ तो उस रत्नत्र की भक्ति सुंदर है, असद्भुत घटाओ तो उन वीतरागियों की मुद्रा सुंदर है, मूर्ति सुंदर है, वाणी सुंदर है। कितना सुंदर स्थान है, यहां तत्वों की चर्चा हो, यहां भगवंतों ने बैठ करके मुक्ति को प्राप्त किया है, कितना सुंदर तीर्थ है। यहां कछु नहीं है, चले आए अपने अभिमान में कछु नहीं है। अरे जहां भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया विचार करो, वहां कुछ नहीं है, क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है उनसे पूछो। हमने बुलाया, हमने कहा क्या कह रहे हो, यहां कुछ नहीं, क्या नहीं है बोलो, क्या नहीं है। बोले साहब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ढंग की धर्मशाला नहीं है, भोजन ढंग का नहीं है, गर्मी बहुत है, वाह ये कुछ नहीं है। अरे ये सब सुविधाएं कुछ नहीं है, सही पूछो दूर है, इनको तो छोड़ा था ज्ञानियों ने, जिनको तुम चाहते हो अभी तो छोड़ने लायक है। मोह के छोड़े बिना कहीं सुख नहीं है, कहां जाओगे बोलो,
और कहां नहीं गए कि उदय राज उतंग नव लोक पुरुष संधान या में जीवन आते हैं। सम्यक ज्ञान के बिना कहीं सुख नहीं है। समता के बिना कहीं सुख नहीं है। तीनों वाक्य अपनी अपनी विविख्या से सब आगम में लिखे। जो विमान बासी हु था सम्यक दर्शन बिना आ गया, सम्यकता आ गया। सम्यक दर्शन के बिना भी विमान बासी देव भी सुखी नहीं है। ठीक है, ज्ञान बोलो। अभी बोले दिया चौदह राज उत्तंगन लोक पुरुष संठान या में जीवन आते भरमत है। चलो, या लोक माहि बिन समता दुख सहे जीवन से। विविख्या भेद है। ज्ञान कह के अकड़ना मत कि हम ज्ञानी हैं, ये सब अज्ञानी हैं। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं हम? ज्ञान के बिना कहीं सुख नहीं है। तुम भी सुन लो, इस ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है जो अकड़ है और दूसरी की ओर देख रहा है, दूसरे को समझा रहा है। उन्हें तो समझा रहे तुम ज्ञान के बिना कहीं सुख नहीं है, और तुमने चार लाइनें पढ़नी, चार श्लोक याद कर रहे, इसको ज्ञानी मान लिया अपने को। सुनो, जिस ज्ञान के बिना सुख नहीं होता वो ज्ञान आपा पर का ज्ञान है। तुम्हें आपा पर का ज्ञान है कि शास्त्री का ज्ञान है? बोलो। आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, तो अपने में है कि नहीं जी देखो। नहीं है ये भैया, तो फिर हम कैसे सुखी होंगे? बाहर की सामग्री भी पुण्य के उदय प्रमाण है। पंडित जी अब मायन में चार जने बैठे हैं, देखो ये कितने जने बैठे, यही रहो आप। अमायन में भी इतने लोग बैठे और वहां भी चार जने बैठे, चार दिन रहकर देखो तब पता पड़े तुम्हें, और एक दस मिनट पहले पहुंच जा तब पता पड़े। अरे काहे को इन बातों में लगे हो? कहीं कुछ नहीं है, पुण्य के उदय से ज्यादा संयोग सामग्री नहीं है। नंबर एक हो गया। नंबर दो बोलो, स्थूल से सूक्ष्म कथायों के छोड़े बिना शांति नहीं है। कहीं भी जाओगे आप, पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री नहीं है। कथायों के छोड़े बिना बुक पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री नहीं है। पाप के उदय से ज्यादा कहीं प्रतिकूलता नहीं। तुम चले तो जाओ जंगल में, चले जाओ जंगल में भी पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री मिल जाएगी, वही मिल जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जंगल में कहां से आएगी? अब पढ़ा तुम वो पूछ हमसे रहे हो। निकलो यहां से, निकलो यहां से। और उस ब्राह्मणी पर और नाराज हुए, स्त्री पर नाराज हुआ वो ब्राह्मण कपिल। तुमने हमारा सारा स्थान अपवित्र कर दिया, ये कहां के आ गए? इनको कौन काय को बैठा लिया? निकालो। लक्ष्मण को तो थोड़ा रोष आया। अब भैया शांत रहो। राम लक्ष्मण सीता तीनों निकल गए, निकल गए थे और जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। ये नहीं सोची अब क्या होए, अब कैसे रात कटेगी? बोलो। बैठ गए पेड़ के नीचे और वो वन देवता सोच रहा है, बलभद्र नारायण आए, सेवा का मौका मिला है। और सवेरे तो रामपुरी बस गई, रामपुरी की रचना हो गई। कहां भाई थी? जंगल में के अयोध्या में? बोलो बोलो आप, पढ़ते तो मैं पूछ हमसे रह लो। जंगल में कैसे मिल गई? रामपुरी की रचना, महलों में सो रहे, महलों में सब जग रहे, सारे ठाट बाट रखे हैं। और वो लकड़ी लेने गया, सोचा तो जंगल कहाँ गया, यहाँ यहाँ तो नगरी बसी है। पहरेदार, क्यों भैया कौन है? उसको रामपुरी कहते हैं, इसके राजा राम। अच्छा, तो कौन है? मिला हमको, मिल जाए। हाँ चले जाओ सबको। भी तो देखा लक्ष्मण को, मरे नहीं तो कल हमने निकालो तो अब कहाँ हो?
अरे महापुरुषों के ऊपर उत्सर्ग भी करें तो अभी वे रोष नहीं करते, बदले की भावना नहीं होती, जिनकी दृष्टि बदल गई है उनसे डरना नहीं चाहिए। डरो तो मोह से डरो और मोहियों से डरो, मोही तुम्हारा मरण खराब कर देंगे, घबराओ नहीं। ज्ञानियों से मत डरो, धर्मात्माओं से मत डरो। धवल सेठ को श्रीपाल का डर लगा, जे तो यूं बच गयो और राज जमाई बन गया, अब क्या होगा? अरे श्रीपाल की शरण में जाओ, कल्याण होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उल्टी सोचोगे तो तुम्हारा जरूर कर। हमारा बिगाड़ होता है हमारी उल्टी सोच से। नेक राय ने या सुमति नाम दिया है पुस्तकों में, ग्रंथों में, उसने मंत्री ने यही समझाया, श्रीपाल के पास जाओ, आज भी वो आपको पिता की समान समझेगा, डरने की बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी बुद्धि पत्थर पड़ गई, जाके संग हमने ऐसो करो, वो हमें पिता ही समझे। वो उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसा कर लो, खोटी होनार हो तो उल्टी बातें जल्दी समझ में आ जा, भली होनार हो तो ये तत्व समझ में आया, हित की बात जल्दी समझ में आया। हित की बात समझ में नहीं आती और खोटी बातें समझ में आती हैं, समझ लेना चाहिए खोटी होनार है। काउ जो चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, दिन खराब आएंगे कि अच्छे आएंगे, किसी ज्योतिषी से नहीं पूछो। आप समझ लो हमारी वर्तमान के परिणाम कैसे चल रहे हैं, उसी हिसाब से आगे का समय आएगा हमारा। बोलो जंगल में रामपुरी की नगरी बसी थी कि नहीं बसी? और बता कैसा? वो बहुत पुरानी बातें हैं। चंद्रगुप्त 12 वर्ष का अकाल सुनकर के विरक्त होकर पिता पुत्र को समझाकर, बेटा ये प्रजा का खजाना है, जहां तक बने प्रजा के लिए बिल्कुल रोक मत लगाना, खजाना खाली हो जाए चिंता मत करना, प्रजा दुखी ना हो पाए, और दीक्षा लेकर के भद्रभाव स्वामी के साथ चला गया। रास्ते में भद्रभाव स्वामी को आयुकाल समीप था, संघ को आगे विहार कराया और वे वहीं गुफा में रुक गए, पढ़ाए रुक गए। चंद्रगुप्त उनकी सेवा में, हम गुरु को छोड़कर के कहां जाए, हम नहीं जा रहे। जिद से नहीं, अभिमान से नहीं, विनय और सरलता, विनय सरल और सरल, रुक गए। दूसरे दिन आचार्य महाराज ने कहा, भद्र जाओ, हे साधो आहारचर्या के लिए जाओ। महाराज आहारचर्या यहां कहा होगी? जंगल में दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, कछु नहीं, हम कहा करें? जाओ तुम, हम कह रहे ना, वो अपना काम होगा, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें आहारचर्या के लिए निकलना है बस, आज्ञा में कुछ सोचा नहीं जाता, जाओ चल दी। और जाकर के देखा बढ़िया बढ़िया भोजन, अब वो भोजन कैसे ले, लौट आए। दूसरे दिन देखा एक स्त्री देवी खड़ी, महाराज भोजन आहार, ऐसा आहार कैसे लेंगे? तीसरे दिन विधि बन गई और पूरे चातुर्मास जब तक वो रहे रोज आहार होता रहा, नगरी बस्ती रही। बोलो बस्ती रही कि नहीं, आहार होता रहा कि नहीं? संग लौट, उनकी समाधि हो गई और वे वहीं रुके रहे। संग लौट करके आया आहारचर्या के लिए, चलो कहां चले, चलो तो नगरी में गए, सबका आहार हुआ, लौट के आए, एक महाराज जी का कमंडल वहां संयोग से रह गया, देखने गए तो पेड़ पटाऊ कछ गई नहीं। पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री कहीं नहीं है, पाप के उदय से ज्यादा उपसर्ग और उपद्रव कहीं नहीं है, कहां जा। धर्मो रक्षत रक्षत है, धर्म साथ में है तो कहां जंगल में भी रक्षा है, और नहीं तो घर में ही घुस के मारे देते हैं। घर में घुस के मारने लूटने वाले मारने वाले हैं, दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? घर में भी सुरक्षा नहीं,
हॉस्पिटल में भी मरण हो रहे, डॉक्टर दवाई सब चीज तैयार बैठी, और वहां भी क्या करें बता। पाप के उदय से ज्यादा आपत्ति नहीं कहीं भी, पुण्य के उदय से ज्यादा संयोग संपत्ति नहीं कहीं भी, और कसायों के मिटे बिना कहीं भी सुख शांति नहीं। ऐसी अर्थ करो भाई, कहीं नहीं कम सुख नहीं, कम कछु नहीं है, कम कछु। ये ऐसी बातें क्यों करते हो अभिमान से और कथाओं से, और भीतर भीतर घुट रहे हो कहीं कुछ नहीं है। अरे कहीं कुछ नहीं है तो फिर भटक काय करे। भैया एक लोटा पानी लिया, तुम जे अलमारी खोल के देखा तो ये देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे नहीं यार। क्यों? आपके ज्ञान में है भाई, पानी तो वहां है ना, पानी वहां से लाए अभी ला। कैसा पानी काय के लिए चाहिए? अरे जरा कुल्ला करना है। अच्छा अच्छा अभी ला दे। तो वहां से पूछा ना पानी, वहां से लेकर के आ गया पता। और सारी घूमोगे देखोगे, ये शक्कर बारी डिब्बा में देखिए, एक एक डिब्बा खोल के देखो। अरे कौन पागल होगा जो देखेगा, कौन देखेगा? कहीं कुछ नहीं है, इसका अर्थ ये है कहीं मत भटको, अपने उपयोग को भटकाओ। देव सास गुरु के चरणों में एकाग्र हो जाओ, अपने स्वरूप में एकाग्र होना तो धन्य है, धन्य दशा है। लेकिन व्यवहार में, मैं स्थूल व्यवहार में भी भाई अपने देव सास गुरु के चरणों में एकाग्र हो जाओ। कहीं कुछ नहीं है तब तुम्हारी समझ में आया इसका अर्थ। और बैठे ही तुमने कह दी कहीं कुछ नहीं हो, मुंह फुलाए बैठे हो, कहे कब आ जाए? अरे कहूं कुछ नहीं है, सब बेकार है, कोई काउ को नहीं है, सब बेकार है, सब मतलब कि हमने सब देख रहा हो, तुमने सब देख रहा हो, अहंकार अंधे को कुछ दिखता है जो बता। कसाया अंधी होती है कि कसाया में ज्ञान होता बता? ये भेद ज्ञान बैराग के लिए है, बैराग को उत्पन्न करता है, बैराग को बढ़ाता है, बैराग को पुष्ट करता है, बैराग की पूर्णता होती है भेद ज्ञान से। भेद विज्ञान तय सिद्धा, भेद विज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, और भेद विज्ञान पूर्वक ही मोक्ष होता है। और वेद विज्ञान का अभाव मोक्ष में भी नहीं है, वेद विकल्पों का अभाव है, वेद विचार का अभाव है, वेद विज्ञान का अभाव तो वहां भी नहीं। वे केवल ज्ञानी परमेश्वर भी स्व को स्वरूप जान रहे हैं और पर को पर रूप जान रहे हैं। ऐसा नहीं है पर को भी स्वरूप जान रहे हो। विचारना कितने चाहिए? 10 रुपया लेकर के पहुंचा दुकान पर, एक बढ़िया हमको वो दे बेटा। 10 की नहीं, वो तो 30 रुपया दिया ना, 30 की 10 ही है, और एक ही भी एक काम कर जी 10 डाल ले और नेक धरने देगी, हम अभी 20 और लिया। ऐसे ही तो बोलता है बालक। तो चाहिए उसके लिए प्रयत्न करो, आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। तो आपा पर का ज्ञान कैसे हो, कहां होगा, किनके पास होगा? मरे उसका उपाय सोचो। समय साथ जी में ये गाथा है, अध्यवसान वाली गाथा है, तो अध्यवसान के नाम लिखेगा, मति बुद्धि व्यवसाय मनन, ऐसा आया ना, एक व्यवसाय शब्द है, एक ज्ञान शब्द है बुद्धि। हमने कहा देखो ज्ञान व्यवसाय माने उपाय होता है, व्यवसाय उपाय, व्यापार कह देते आप तो व्यापार होता है, तो ज्ञान स्वयं उपाय, सबसे पहला उपाय ज्ञान है, समझना सबसे पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय है। धंधा करना है कि समझ ले पहले कौन सो धंधो करने, कहां चलेगो, कहां से माल आएगा, कहां बिकेगा, कितनी इनकम आएगी, कितने इसमें समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। कि लड़की का विवाह करना तो समझ ले पहले
बच्चे को शिक्षा एडमिशन कराना के समझ लो कहां ठीक रहे। मतलब ये है, समझना सबसे पहला उपाय है, और इस अज्ञानी जीव को अहिमानी जीव को मुख्य रूप से समझने के लिए गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना है कि ना समझ होते हुए भी समझने की गुंजाइश नहीं है, समझाने की पड़ी है। समझो समझो दौड़ दौड़ समझ सुन केत सयाने काल व्यथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। आप पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, माने जब हमें है नहीं तो हम कैसे सुखी होंगे। अगर हमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, हैं चैन नहीं है, बेचैनी रहती, टेंशन रहता, तो इसमें आश्चर्य क्या है, हमें आप पर का ज्ञान नहीं है। लेकिन मूल लोक व्यवहार में जब आएगा पर्याय में, तब वो यही कहेगा टेंशन रहे तो काय, हमारे पास पैसा नहीं है, टेंशन है, वो लड़का नहीं सुनता। माने उस टेंशन का कारण ये नहीं मानेगा कि हमें आप पर का ज्ञान नहीं, उसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये हमारा मोह हमें दुखी करा रहा है, ये नहीं स्वीकार करता। और जिस दिन निर्णय के बल पर स्वीकार हो जाएगा, उसी दिन सम्यक के सन्मुख हो जाएंगे। और जिस दिन स्वानुभाव पूर्वक स्वीकार हो गया, तो मोह रहेगा ही नहीं है। विचारना नंदी शोध स्वरूपी अभि